There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. हेलो जी, तकरीबन सुबह के 7 बज रहे एंड अभी बैकपैक लेके हम जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट जगह, दैट इज माल बाजार। फिलहाल तो टोटो में चढ़ना है एंड सीन से आके बहुत ही ज़्यादा चिली है। बस स्टैंड जाओगे तो इन बीच डिसी शांति कर। तो यहाँ पे बस स्टैंड पहुँच चुका हूँ। ओके, सो बस यहाँ पे, दैट इज द बस टू गो टू माल बाजार। सो जल्दी से उठ के एक सीट बुक करता हूँ। यहाँ पे बस पूरा खाली है, रास्ता भी खाली है, सो जल्दी पहुँच जाऊँगा एंड वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा क्या है कि नहीं है। सो फिलहाल लेट्स गो। अर्ली मॉर्निंग स्टेट बस और विंडो सीट, बस और 2 घंटा टू मेक माई जर्नी कम्प्लीट। जा रहा हूँ माल बाजार फ्रॉम जलपाईगुड़ी। साथ में कुछ को पैसेंजर्स और ये सीनिक व्यू। बट यस, वेयर एम आई गोइंग? आई एम गोइंग टू माई सेकेंड होम, जिधर मैंने अपना 14 से 15 साल गुजारा है एंड वेयर आई एक्चुअली बिलोंग। जिंदगी के 14 से 15 साल मैंने इसी घर पे अपना गुजारा एंड आपसे बातें करते करते मैं माल बाजार भी पहुंच गया। सो दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट माय स्कूल। सो वेलकम ओल्ड मेमोरीज। सो गाइस, फाइनली माल बाजार। अभी ऐसा बात है कि मैं इधर में आ चुका हूँ एंड सबसे बड़ा बात, मतलब मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, मैंने अपना MSc ज्योग्राफी में करी है, जिससे मुझे ये मोटिवेशन मिला था कि हाँ मैं ज्योग्राफी लेके पढ़ूँगा। वो जो मेरा सर थे स्कूल का, उनके साथ बस में आई वॉज ट्रेवलिंग, सो दैट वॉज अ ग्रेट मोमेंट। और मैं अभी स्कूल भी जाऊंगा इसके बाद। एंड सबसे बड़ा बात है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था आज से 5 साल पहले या कभी भी कि मैं इस तरीके से व्लॉगिंग करूंगा एंड स्पेशली यहाँ पर। अभी मैं जाऊंगा एंड आई विल स्टार्ट ट्रैवलिंग। मैं अकेला ही जाऊंगा, बट आई हैव गॉट अ फ्रेंड टू मीट, सो दैट्स द सीन्स। एंड सीन्स बहुत नॉस्टैल्जिक है। आज का दिन बहुत ही लकी है, मतलब जिससे मतलब मिलने का बात नहीं है, सबसे मिल रहा है एंड ये बंदा, आई डोंट नो इवन हिम, ये दूर से मेरे को बोल रहा है कि सराज, हाउ आर यू ब्रो? कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। एकदम, ये अपन का स्कूल फ्रेंड है, छोटा का। हम जब सिक्स में जब ज्वाइन किया था तब से फ्रेंड है मेरा। एग्जैक्टली 3-4 साल के बाद मुंह दिखा रहा है अपना, इतना भद्दा मुंह, मतलब देखने में। वो बोल रहा है कि दूर से कौन भद्दा इंसान जा रहा है, कैमरा ना इसी से कर रहा है, ठीक है? हमको लग ही रहा था कोई भद्दा इंसान यही हो सकता है, दूर से वही बुलाया। मतलब एकदम बढ़िया बात है भाई, के देख रहे बॉडी शॉडी देख रहे हो? ओह माय, तो वही बात है। Low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. Guys, as I say that, main clock tower ke samne hu and mera ek aur friend aane wala hai, let's see kab aata hai.
तो फिलहाल के सीन्स कुछ ऐसे हैं. एंड राइट नाउ आई हैव माय चाइल्डहुड फ्रेंड. हाय, इसका नाम है शिवान घोष. तो लाइक यू वांट टू से एनीथिंग ब्रो? भलो आसे, भलो थाकू, आरो ब्लॉग होक भलो करे. एग्जैक्टली, तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है, सो इट्स ओके. सो गाइस, अभी मैं अपना फ्रेंड का दुकान में हूँ, शॉप में हूँ. एंड दैट्स माय फ्रेंड, इज बिजी राइट नाउ. ठीक है, बाद में जाने टाइम थोड़ा बात कर लेंगे. तो अभी आई हैव गॉट पूरी. एंड उसको मैंने बोला था कि भाई तेरा फेवरेट मिठाई कौन सा है, तो ही सजेस्ट मी दिस. मलाई का कुछ होगा. एंड आई हैव गॉट दिस पूरी का साथ, सो लेट्स टेस्ट इट. अच्छा, और ये सब्जी में गोभी भी डाला है, सो इट्स गुड ब्रो. सो अभी जल्दी से खा लेते हैं. सो गाइस, ये भोला मेरा लाइक चाइल्डहुड फ्रेंड है. सो वही बात है, इसी का शॉप में खाया. अभी इधर से मैं स्कूल जाऊंगा, सो इसको बाय बोल के. सो बाय ब्रो. ओल्ड हैबिट्स से कनेक्टेड होते हैं ओल्ड प्लेसेस. उन्हीं ओल्ड प्लेसेस में है ये ओल्ड माल स्टेशन. वैसे तब ट्रेन तो नहीं चलता था यहाँ, पर स्कूल के हर एक दिन मैं यहीं से जाया करता था. सो एक छोटा सा ट्राई उन मोमेंट्स को लिव करने का, उन्हीं ट्रैक्स पर चलकर और उन्हीं बदमाशियों को याद करने का. ये जो घर है, ठीक है, हम लोगों के सबसे मतलब मेरा तो फेवरेट टीचर लेट प्रियतोष पंडित, उन लोगों का प्रिंसिपल सर हुआ करते थे. ये उनका घर है, ये टेडी बियर हॉस्टल. मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ये पे रहा करते थे. एंड नाउ आई विल स्टार्ट शोइंग माई स्कूल. ये मेरा स्कूल का बिहाइंड है. सी दैट्स दिस इज अ स्कूल स्टार्टिंग. एंड मैं कभी नहीं यहाँ पे सोचा था कि मैं यहाँ पे व्लॉग करते करते अपना स्कूल में जाऊँगा. एंड फाइनली ब्रो, I mean there. I will start taking cinematics here, but so that's my school. So that's a glimpse of my school, and right now I can see Dinonath. I don't know he will recall me or not, but let's try. Okay. So that's my school gate. Sanitizer will be here. Let's see. Dr. Barbo. কিছু হয় না, আমি স্কুলে দেখা করতে এসেছি. কার সাথে? আমাকে চিনতে পারছো কিনা আগে সেটা বলো. চিনতে পারবো না, আমার শরীর আছে. সো ভাইয়া আমাকে পেছান গিয়া হ্যাঁ, ডামডিম থেকে আসতাম. চিনছি তো, মাস্ক লাগাইছ নিস না জন্য. তো সিন্স কুছ এসে কি লাইক পেছান গিয়া স্কুল ওয়ালোনে. এন্ড লাইক দ্যাটস দ্য থিং, দ্যাটস ক্লাস 3. এন্ড ওকে, মে ধীরে ধীরে সব দিখাউঙ্গা, কোই দিক্কত নেই. আবি টিচার লোগো সে মিল লেতে পহলে এন্ড সিন্স বানাতে হ্যায়. Another one. Name hai iska Caesar School. Building soul is the only rule. Uniform pehn ke jana tha school. Doston ko satana was the only rule. School wali baatein aaj bhi satate. Bunk kari classes yaad wo aate. Kya karu yaara, bhul nahi paata. Kuch mat kar tu so ja yaara. This is the place we played our games, yeah. This is the place we saw our dreams, yeah. This is the place where we played football, cricket, everything else, yeah. दोस्तों से लड़ना, टीचर्स को सताना, पता नहीं क्यों मुझे फिर से करना. Open up and look and tell text more. Study and you make me poor. Famous है ये dialogue, पता है कौन? अगर हो आप सिर्फ वन लीवर कम एंड डाउन. And what else I can say? There's the best school in the town. Yeah, yo. Recess. भागते हुए चलो कैंटीन, नहीं खत्म हो जाएगा हमारा टिफिन. उसके बाद फिर से फिजिक्स के केबल्स एंड वायर. सो अभी खेल लो 10-20 एंड फायर. सो दिस इज आवर एवोल्यूशन. एंड इन सब के पीछे कुछ हद तक इनका हाथ है. एंड दिस इज आवर प्रिंसिपल सर, दिलीप सर, विश्वजीत सर आवर वाइस प्रिंसिपल, एंड शर्मा मैम माय बेस्ट प्राइमरी टीचर. एंड दिस इज द टीचर्स रूम. दीपक प्रेजी सर इज वर्किंग हार्ड फॉर द स्टूडेंट्स. Everything in here
परमिशन लेके मे आई कम इन से लेके सॉरी सर सॉरी मैम एवरीथिंग बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है एंड सैराज सिन्हा लव्स सीज़र स्कूल दिस इज माई स्कूल एंड होप यू लाइक द वीडियो एंड आई मेड अ मेमोरी फॉर ऑल द सीजरेंस आउट हियर सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट मेक श्योर टू लाइक एंड व्हाट एल्स सीन्स कुछ ऐसे है. सो फाइनली मैं यहाँ पे सर से मिलने आया हूँ. हम लोगों का स्कूल का जो प्रिंसिपल सर है ये हमारा प्रिंसिपल सर मिस्टर दिलीप सर. तो सर हम लोगों का प्रिंसिपल सर थे एंड अभी भी है. बहुत अच्छी तरीके से स्कूल को मेंटेन किया है एंड आई एम रियली प्राउड कि मैं इसी स्कूल का स्टूडेंट हूँ एंड सर के अंडर रह के इतना सारा कुछ सीखा. तो सर आप कुछ बोलना चाहते हो? आपका इतना एक ओल्ड स्टूडेंट आपसे मिलने आया इतने दिन बाद. So I also feeling proud because you have already completed no your master in geography. Yes sir. That is MSc in geography, no? Yes sir. So you are going ahead and helping a lot our management also. Yes sir. So all together we are working very nicely and we are producing very good result also last few years. 100% result also. Last year also 100% result we have produced or improved. So all together we are going ahead. And thank you sir giving so much valuable time of yours day. Thank you sir. Okay, thank you. So guys, as you I said कि मैं मतलब ये हम लोगों का नया कंप्यूटर लैब है एंड यहाँ पे मैं जैसे वीडियो में मैंने पहले ही कहा था कि मैं जिस सर के साथ आया था मैं जहाँ पे भी हूँ जिस सब्जेक्ट जिस स्ट्रीम में मैं हूँ मेरा जो इंस्पिरेशन है वो है ये सर जी दैट्स विश्वजीत सर. सो ये मेरा जियोग्राफी का टीचर था एंड मेरा जितना भी दोस्त लोग हैं सबको सर से बहुत डरते थे मैं भी डरता था. तो वही सर सर मेरे को देखिए इतना दिन बाद कि आपके साथ आया आपको कैसा लग रहा है? वेरी नाइस टू सी यू. यस सर बहुत अच्छा. ओके सर तो वही बात है अभी बाकी टीचर लोगों के साथ मिलना है सर के साथ थोड़ा बात करके फिर वही है सीन्स कुछ ऐसे. अभी शर्मा मैम मेरा चाइल्डहुड का मैम है एंड आई एम ग्लैड कि आई मेट हर वो मिले मुझे एंड डॉक्टर मैम आपको कैसा लगा? बहुत खुशी लगी. ऐसा लगा कि मेरा बेटा बहुत दूर से आया और हमसे मिलने. ये मैम थैंक यू मैम एंड वही बात है अभी और बाकी टीचर से भी मिलेंगे एंड थैंक यू मैम. टीचर लोगों से मिले अच्छा लगा. क्लास में गया मेरे सारे क्लासेस में मैंने घुसा. सो अभी आई एम इन दिस बास्केटबॉल कोर्ट एंड सीन्स कुछ ऐसे. दैट वॉज क्लास 12 साइंस कॉमर्स एंड वहाँ पे ह्यूमैनिटीज. अभी मैं मतलब जिस क्लास में घुसना चाहूँगा अभी वो तो 7C बन चुका है पर ये क्लास सबसे मेरा फेवरेट क्लास है. ठीक है बहुत सारे मेमोरीज जुड़े हुए एंड दैट इज दिस क्लास. आई होप बहुत कोई ये क्लास को पहचानता है एंड दैट यूज टू बी माई लास्ट क्लास रूम. फर्स्ट तो मैंने दिखाया था दिस इज माई लास्ट. आई जस्ट लव दिस रूम. आई मीन यस इवोल्यूशन एप से ह्यूमन बींग तक हुआ था पर मेरा इवोल्यूशन सीजर स्कूल से अभी तक में हुआ है एंड आई एम ग्लैड कि मैं सीजरियन हूँ एंड यहाँ के सीन्स कुछ ऐसे हैं. तो गाइस ये है माराडोना दा हम लोगों का रेफरी फुटबॉल का एंड भैया से इतना दिन बाद मिला. आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा. वही बात है चाइल्डहुड मेमोरीज है भैया के साथ. स्कूल से मैं अभी निकला. मैं सुबह को शायद 11 AM को मैं घुसा था एंड अभी मैं शाम के 3:30 बजे मैं जा रहा हूँ स्कूल में. अच्छा लगा बहुत दिन बाद टीचर लोगों से मिले. इट वाज क्वाइट अ मेमोरेबल डे. गाइस फाइनली स्कूल से आते हुए अभी ये मतलब इसी लेन से मैं जाता था कैल्टेक्स मोड़ से उतर के एंड यहाँ पे एक भाई है जो बहुत ही छोटा था मेरा टाइम में एंड उतना इंटरेक्शन उसके साथ नहीं होता था बट सोशली वी आर कनेक्टेड एंड फाइनली ब्रो इज विथ मी. लेकिन अभी बड़ा हो गया हूँ. अभी बहुत बड़ा हो गया है एंड हिज नेम इज अर्णव सरकार. अर्णव सरकार एंड इसका मामू भी मेरा बहुत जान पहचान का है एंड ही इज वेरी गुड. कलकत्ता में भर्ती हुआ ब्रो. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू ब्रो. इतना दिन बाद मेरे को देख के अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लगा भैया. मेरे को भी बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा एंड पहले बंदा तो बहुत लाइक मत करो लेकिन आपको आपको हमेशा सपोर्ट रहेगा भैया. एग्जैक्टली वही बात है. सो सीन्स कुछ ऐसे है. बाय. आई रियली डोंट नो कि भाई मैं जितना भी फ्रेंड्स लोगों से मिला ठीक है ये भी मेरा इतना छोटा का दोस्त है. अब देखिए बातें करेगा लंबा लंबा हाइट भी है लंबा लेकिन देखिए भाग रहा है किस तरीके से. ए भाई
सीन्स कुछ ऐसे है। हाँ तो ये मेरा प्लीज अभी ये मेरे को ड्रॉप करने जा रहा है। और कुछ बोलना तेरे को? नो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। सीन्स कुछ ऐसे है कि सारे दोस्त लोग ड्रॉप करके चले गए एंड अभी बस के सीन्स कुछ ऐसे हैं।